उसमें जो अब जो नेक्स्ट होगी, जैसे ये लास्ट मेंबर है इनका नाम है, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगी कि हम जो है वो ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे और जो ऑपरेशन है, और वो जाहिर बात है जो आइडियाज है वो अपने इधर ही से ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका हटके है तो वो आप दे देंगे, और उसके अंदर जो है फिर आप अगेन मुझे जो है वो पूछ लेंगे वहां पे ना एट द रेट करके, सही है। तो उसमें जो है फिर मैं आपको बता दूंगा, या महादीप को आप बता दीजिएगा, महादीप क्योंकि अब डायरेक्ट मेरे पास इनके मैसेज आ जाते हैं, आएंगे, सही है, तो अब जो है वो इनके थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाली बात हो गई। अच्छा प्रोजेक्ट के हवाले से तो हम लोगों की जो है वो बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ क्योंकि हम लोगों का जो टाइम है वो क्लास एंड की तरफ जा रहा है। हाँ नहीं, इसके अंदर जो है ना, मैं अभी सही, अभी तो मैंने टाइम है इसके अंदर प्रपोजल के अंदर, ये तो अभी आपने आइडिया जैसे दिया, लेकिन ये अभी आपने दे दिया तो ठीक है। अगेन ये देखिएगा, अगर आप ये फाइनल नहीं करते ना, ये अगर फाइनल नहीं करते कुछ चेंज करते हैं, तो भी अभी तो अलाउ है, सही है। फाइनल जो प्रपोजल है उसके लिए ये होगा कि ये हमारे पास जैसे ये यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आपको अपलोड के लिए मिलेगा कि फाइनल प्रपोजल आप यहाँ पे अपलोड कर दें ताकि वो एक ऑफिशियल हो जाए, सही है, कि ये आपने डिसाइड किया था और इस तरीके से आपने जो इम्प्लीमेंट करना था। तो मैं इधर जो है वो प्रपोजल का एक फॉर्म इधर अपलोड कर दूंगा, वो आप डाउनलोड करके फिल करके उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी, लेकिन क्लियरली लिखिएगा, ये ना हो कि उसके अंदर ऐसी कोई बात हो जो बाद में क्लियर ना हो, सही है। तो इसको जो है वो आप अगेन लिखिएगा, और यहाँ पे जो है मैं एक एंट्री बता दूंगा, वहां पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप रफ रखें क्योंकि ये एंट्री मैंने उसके अंदर जो टाइम रखा है वो अभी जरा टाइम ज्यादा है आपका, कितना 28 जून रखा ना, तो उससे पहले पहले मैं एंट्री आपको जो ये लिखा हुआ बिफोर 28 जून। अच्छा ये रीथिंक कर लीजिएगा एक दो दफा, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जैसे ये आपके आईडी है, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको एक दफा देख लीजिएगा, ये ना फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो। अच्छा दूसरी जो है वो अटेंडेंस की भी हम बात देख लेते हैं, ठीक है, टीएस अटेंडेंस। पहले तो मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन शेयर, ताकि जो मुझे नजर आ रहा है वो आपको भी नजर आए, ठीक है, आ रहा है सबको नजर? नहीं हुई स्क्रीन शेयर, किसी ने यस नहीं लिखा, महादीप ने यस लिखे, चलो ठीक है। अच्छा अब जो है वो क्या करते हैं कि ये पुरानी जो है अटेंडेंस, पहले तो इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया काफी, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है मैं नो कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारी आज की अटेंडेंस हो जाए। और अब जो है देखते हैं, अच्छा अब आपने जो है चैट के अंदर ना राइट करना है, 1 मिनट पहले मैं जरा खुद से जो है वो जरा देख लूँ नाम वगैरह कितने लोग हैं। हम्माद बारी, रजा, मुस्तफ़ा, अब्दुल हसीब, सालिक, रजा खान, महादीव, फैजान खालिद, तैयब खान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद साकिब, शालूम, अब्दुल वासे, हारिस अहमद, हारिस, हसन कदीर, इकरा, शहीर, वासिफ अहमद, वासिफ अहमद, ये दो दो फाइन चले, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है ना, मैं जब अटेंडेंस ले रहा हूँ तो जो नाम मैंने पढ़े हैं उनकी मैं खुद लगा दूँ, लेकिन इतने नाम आपको पता है मेमोरी में नहीं रहते, तो आपकी जो थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए होगी, अच्छा चले अब आपकी हेल्प भी चाहिए होगी, ये तो नाम जहन में, चंद नाम जहन में, रजा, जैसे ये रजा है तो रजा खान भी है, पता नहीं कि वो रजा है या नहीं, साथ में आप ऐसा करें मैं आप लोग जो शुरू के जो तीन उसामा, तो अच्छा आज तो उसामा भी आए थे ना, मोहम्मद उसामा अंसारी, अच्छा शुरू के जो चार नाम है वो पी लिख दें, जो शुरू के चार नाम है उनमें से जो जो है वो पी राइट कर दें, माज है, साद है, और बस दो है, हारिस है, साथ दो दफा, अच्छा उसामा तो आ जाए था अभी, उनसे बात भी थी, अच्छा हारिस और माज, चले ये तो चारों हो गए, ठीक है, ये चारों इनकी प्रेजेंट हो गई।
अच्छा, एहतिशाम रजा और सालिक और हम्माद, इनमें से कौन कौन है? अच्छा सालिक है खाली, रजा है भी है और हम्माद भी है, और उसामा के तो मैंने लगा दी ना, ठीक है। अच्छा एहतिशाम नहीं लग रहा है ना, एहतिशाम नहीं है ना, रजा सालिक हम्माद, सालिक है रजा है और हम्माद है, मोहम्मद रजा है, मोहम्मद रजा है क्या? रजा खान। अच्छा ये आपका जो नाम है यहाँ पे ना, आप कोशिश करें उससे लॉग इन वगैरह, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है ना, जैसे अभी रजा के दो थे तो हो रही थी। हारिस अहमद है, हारिस अहमद है, सही है। महदीस तो है, फैजान खालिद है क्या? फैजान खालिद भी है, शहीर है, फिर भी तैयब तो है, मैंने खुद देखा था तैयब, तैयब के बाद मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद भी है, हसन हसन कदीर है, ये भी थे, वासिफ अहमद है, मोहम्मद साकिब, वासिफ अहमद है, सही है, मोहम्मद साकिब, सलूम तो थे, ये कौन है शालू, मोहम्मद साकिब भी आ गया, इकरा, इकरा भी थी, अब्दुल वासे, अब्दुल वासे हैं, अब्दुल वासे भी आ गए, सही है, मोहम्मद हसन गुड, अब्दुल हसीब, अब्दुल वासे शेख, अब्दुल हसीब के आगे से अटेंडेंस, और अब्दुल वासी शेख, अब्दुल वासी शेख बता दें, कहीं है नहीं इस क्लास में। चले अब मैं इन सबको तो मैंने कर दिया प्रेजेंट, सही है। अब वो बोल रहे हैं एहतिशाम का जो है वो गया हुआ है, लाइट गई, लेकिन एहतिशाम को मैंने देखा ही नहीं ना, या तो एहतिशाम ने कोई मुझसे बात की होती या क्वेश्चन का जवाब दिया होता। असल में आप वैसे भी नंबरिंग भी टाइप कर देते ना, मैं कोई क्वेश्चन कर रहा होता हूँ और आपका नाम लिखा हुआ आ जाता तो मेरे जहन में रह जाता, अब देखें एहतिशाम का नाम ही नहीं आ रहा, एहतिशाम आए थे या नहीं आते, तो थोड़ी सी बात अगर कर ली जाए चैट के ऊपर। अच्छा शुरू में दो सेशन में थे जी महादीप, आप कंफर्म कर रहे हैं रात को, थोड़ा बहुत आपने देखा था क्या महादीप? नहीं देखा था। अच्छा चले फिर इनसे बोलिएगा मुझसे बात करें, सही है। कितने लोगों ने देखा था? कोई दो चार लोग हैं तो वो बताएं, अभी तो खाली हारिस ही बोल रहे हैं, और कुछ थे जिन्होंने देखा था? अच्छा रजा भी बोल रहे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हसान का, कह रहा है प्रोजेक्ट प्रपोजल कब तक सबमिट करवाना है, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे होते हैं, जबकि एक दफा डिस्कस कर लीजिए उसके बावजूद आते ना, या तो ये नेट का इशू होगा कि उनको आवाज नहीं आई होगी, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट होगी, अब्दुल वासे शेख नहीं है ये, पता नहीं ये होते ही नहीं है, तो बाकी आज सब लोग प्रेजेंट है, ठीक है, मुझे भी फिर आसानी हो जाती है। मिड टर्म कब शुरू होगा? मिड टर्म आपके पास 8 वीक के बाद, 8 वीक जो है वो हमारे जैसे कंप्लीट होगा। अच्छा इसको याद रखिएगा, 8 वीक का मतलब है कि 4 वीक, 8 वीक का मतलब है 4 वीक, क्या मंडे, मंडे से अभी तक मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वैसे आपके पास भी मैसेज आएगा, मैसेज अगर कंफर्म हो गया मंडे को क्लास है तो फिर वो फिजिकली होगी, वहीं पे होगी, ठीक है। मंडे को अगर क्लास है फिजिकली है तो आपके पास भी मैसेज आएगा, मेरे पास भी आएगा, ठीक है, तो इसलिए उसकी आप प्रॉब्लम नहीं, फिक्र ना करें, और मंडे को फिर हम लोग मुलाकात भी कर लेंगे। बाकी उसामा कह रहे हैं माइक ऑन कर दें, तो उसामा से कहें कि उसामा आप एक काम करें, इधर मुझे व्हाट्सएप से बात कर लीजिएगा, जो भी मैसेज हो दे दीजिएगा, या आप इधर राइट कर दें, अभी तो खैर क्लास क्लास है। अच्छा हमारे पास जो अभी कितने 12 मिनट है, ठीक है, ये मैंने जो है वो उसका मैं शेयर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये देख लें, ये अभी क्वेश्चन आया था ये बिफोर 28 है,
ये आपने करवानी है, इसके अंदर कोई लाइब्रेरी आपने बिल्डिंग यूज नहीं करनी है, डेटा स्ट्रक्चर की ना, इसके अंदर जो ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग है वो मैंने आपको बताया कि आप उसके लिए लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, विंडोज अगर फॉर्म यूज करना है या और कोई लाइब्रेरी जो कि आपके GUI के अंदर सपोर्ट कर रही है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हार्ड डिस्क का उठा यार, समझ क्या मसला, मैं तुमसे कह रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मैं माइक कर रहा हूँ अनम्यूट, बात करो करो। तुम्हें अनम्यूट करना नहीं आ रहा क्या? मैंने कर तो दिया यहाँ से अनम्यूट, तुम जब तक नहीं करोगे तो अनम्यूट नहीं होगा ना, मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दे दिया। अच्छा ये उसामा जो है वो मेरे ख्याल में बहुत देर तक इनको आवाज पहुंच रही है, मैंने वैसे मैसेज दिया था, ये इनसे मैं बात कर लूँ वगैरह के ऊपर। अच्छा और बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ठीक है, नहीं मंडे को देखिए क्विज तो मैंने रखा हुआ ही जो है वो फिजिकल क्लास के लिए, क्योंकि अब मैं जितने भी क्विज है थोड़ा सा लेट हो गया पहला हेलो, क्विज, सलाम वालेकुम सर। लेकिन वालेकुम अस्सलाम जी बोले। सर मैं ये कह रहा था वो मेरी अटेंडेंस का क्या होगा सर? मैंने आपको म्यूट कर दिया, ये जो बात है ना ये यहाँ पे भी की जा सकती है व्हाट्सएप के ऊपर कि आपकी अटेंडेंस का क्या होगा नहीं होगा। सही, दूसरी बात ये कि आप दिया था कि मैं इस अंडरस्टैंडिंग थी आप कोई और कोर्स ले रहे थे, तो इसलिए अब जो है वो आप ऑफिस के अंदर बता दें कि मेरी सारी जो वो वाली क्लासेस जो मैंने कहीं और ली है उसकी अटेंडेंस यहाँ पे शिफ्ट कर दें। सीधी सी बात है, इसके लिए पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है कि मेरी अटेंडेंस का क्या होगा। मैंने आपसे बोला था ना व्हाट्सएप करते हैं, मुझे पता था कि कोई पर्सनल इशू होगा। हाँ कोई ऐसा इशू है जो कि आपसे रिलेट करता है आप यहाँ पे पूछें, जैसे वो कि कोई मंडे को होगा या नहीं होगा, तो कुछ सारे जो है वो मैंने के लिए रखे। मैं चाह रहा हूँ कि खुद आप लोग हो भी हो और मैं भी हूँ जब ये क्विज हो रहे हो, और इसमें जो मेरे साथ क्विज लिया है सिर्फ आपकी नहीं है। सही है, तो वो फिर इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आज जो है यहीं तक रखते हैं, प्रोजेक्ट हो गई, अब आप उसके ऊपर डिटेल पर डिस्कस करें, अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करें, कोशिश कीजिएगा बार बार रिपीट कि ये जो है कोई ऐसा ना हो कि आप ऐसी कोई यूज कर लें जो बिल्डिंग हो। तो पाइथन बड़ी पावरफुल है, जिसमें बहुत चीजें आपकी बिल्डिंग मिल जाएगी। सही है, तो इसके लिए आपको ये जो लिखा हुआ है इट विल बी कैंसिल, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस आप यूज नहीं करेंगे, स्टाइल का वो इम्प्लीमेंट नहीं है और जो इजीली हो जाता है, बस इस चीज का रखिएगा। और उसके जो मेथड है वो आप क्या क्या उसमें करेंगे, जैसे इसके अंदर एक एक दिया हुआ है आपके पास कि प्रोजेक्ट टाइटल है, एक डेटा स्ट्रक्चर है क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि क्या क्या करेंगे, तो इसलिए जो है तो उसके लिए जो आप इस चीज को जो अपने पास तैयार रखें। और अच्छा ये क्या होगा ये भी सुन लें, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हो गई ना, तो ये हो गया जैसे कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और बुलेट बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या करेंगे, ये जो महादेव है एक फाइल बनाते रहेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे वर्ड की फाइल में, जैसे ये आपके पास हो जाते हैं सारे, जैसे ये वाला वर्ड की फाइल में, ये तो मुझे आप फौरन दे दें। ठीक है, तो उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा, इसकी डिटेल मैं पता कर लूँगा बच्चों से, हो सकता है मैं अभी क्लास के दौरान ही पता कर लूँ। तो ये महादेव जो है आप जैसे आपने जो भी आइडिया ये एच अगर किसी को राइट करना तो कर ले,